मंगल आह्वान में प्रवेश करेंगे जिसका राग है शुद्ध कल्याण। ऊपर से ले बांसुरी टच करे, तीसरा नेत्र, नासिका छिद्र, उच्छ्वास को टकराने दे बांसुरी पर, गले का मध्य स्थान स्पर्श करे, छाती का मध्य स्थान स्पर्श करे, दोनों हाथों से आह्वान अर्पण करेंगे अनंत को, अज्ञात को। पहला सा, जितना आपका स्टेमिना उतना, अभी नजदीक चेहरा सामने रखो, स्पर्श करे तीसरा नेत्र, बांसुरी का स्पर्श, नासिका छिद्र, उच्छ्वास को टकराने दे बांसुरी पर, गले का मध्य स्थान स्पर्श करे, हृदय चक्र भाव शरीर स्पर्श करे, दोनों हाथों से प्रार्थना को अर्पण करे अनंत को, अज्ञात को। बांसुरी के साथ नमस्कार ले।
इस दिव्य स्थान पर उपस्थित एवं अनुपस्थित दृश्यमान अदृश्यमान सर्व कल्याणकारी पवित्र जीवों का मैं परमात्मा के जगत में सप्रेम सहृदय स्वागत कर रहा हूं, वंदन कर रहा हूं। इस पूर्ण ब्रह्मांड के सर्वजीव सदा आनंद प्रसन्नता शांति स्वास्थ्य ध्यान भक्ति मैत्री प्रेम करुणा का दिव्य अनुभव करते रहे, इस स्वभाव के साथ मैं आपको ले चलता हूँ प्रातःकाल की दिव्य श्रवण प्रक्रिया की ओर, दिव्य वाणी के पवित्र श्रवण की ओर। आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो, ये भी तो हो सकता है आज का ये सुनहरा मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से इस दिव्य स्थान से इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। द स्कूल ऑफ स्पिरिचुअल साइंस आत्मिक विज्ञान की पाठशाला, द स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक्स दिव्य तकनीकी की पाठशाला, दिव्य श्री महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय नटराजपुरम खेड़ ब्रह्मा गुजरात, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को परमात्मा से परिचित करना, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को पराशक्ति से आद्य शक्ति से परम शक्ति से परिचित करना, जिसका लक्ष्य है मनुष्य को अपनी निजी संपदा से परिचित करना, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को अपनी निजी परम संपदा से परिचित करना, जिसका उद्देश्य है मनुष्य किस तरह से हर परिस्थिति में चाहे पैसा हो न हो, खाने के लिए रोटी हो न हो, पहनने के लिए कपड़ा हो न हो, कोई भी परिस्थिति हो जीवन की, उसमें किस तरह से स्वस्थता से संतोषपूर्वक जीवन का बेहतरीन स्वाद लेते हुए शांति से जिया जा सकता है, इसका मार्गदर्शन ये लक्ष्य है इस विश्वविद्यालय का। प्रातःकाल नया सूर्य नई ताजी हवा नई ताजी किरणें नया दिन नया जीवन, प्रातःकाल का स्मरण, रुपया पैसा सोना चांदी प्लेटिनियम हीरा माणिक मोती जर जवेरात वस्त्र गाड़ी बंगला फ्लैट फार्म फार्म हाउस, दिस इज कॉल्ड बहिर्गामी संपदा, ये है लौकिक संपदा। लौकिक संपदा का क्या अर्थ है, बहिर्गामी संपदा का क्या अर्थ है, जिसका संबंध है शरीर के साथ जुड़ा हुआ मन, शरीर के साथ जुड़े हुए भाव और शरीर के साथ जुड़ी हुई आत्मा। आत्मा का अर्थ है अवकाश, जो अवकाश शरीर के साथ जुड़ा हुआ है वो, इसके साथ बहिर्गामी संपत्ति का अर्थ है इसका साथ ज्यादा से ज्यादा मृत्यु तक, मृत्यु के बाद ये हमारे साथ नहीं, ये स्मरण है ये जानना है। जीवन का दुख पीड़ा संताप हताशा निराशा
भय चिंता ये जो सारे भाव है ये दर्शाते हैं कि जीव का संबंध असत्य के साथ है। असत्य का अर्थ है जो कायम नहीं है, जो कायम नहीं है बदल जाएगा। उसका साथ कायम नहीं है, इसके साथ हमारे जीव का संबंध, इसके परिणाम जीवन में दुख पीड़ा संताप हताशा निराशा भय और चिंता, और ये कुछ भी गलत नहीं। जब तक हम हमारे भीतर की संपदा से परिचित ही नहीं, तब तक हमारी जीवन की यात्रा बहिर्गामी है, और बहिर्गामी जीवन की यात्रा करते 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 हमें सत्य लगने लगा, जिसका साथ कायम नहीं है, न रुपयों का साथ कायम है, न पैसों का, न हीरा माणिक मोती गाड़ी बंगला जर जवेरात जो कुछ भी है बहिर्गामी, जिसका साथ कायम नहीं है, फिर भी जीवन जीते 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 ऐसा लगने लगा कि यही सत्य है, यही नहीं होगा तो हमारा जीवन चलेगा नहीं, और गलत भी नहीं, गलत भी। अब भीतर की संपदा से, भीतर का जो अंतरावकाश है, अंतरावकाश इंटरनल स्पेस, इसके साथ जुड़े हुए गुण, इसके साथ जुड़ी हुई संपदा, प्रेम मित्रता करुणा आनंद उल्लास प्रसन्नता स्वास्थ्य शांति संतोष सरलता सहजता मौलिकता निर्भयता उदारता ध्यान भक्ति ज्ञान समझ स्वीकार, ये सारी भीतर की संपदा। ठीक से समझना, बाहर की जो संपदा है उसका साथ कायम नहीं, भीतर की जो संपदा है एक बार तुमने पाई, एक बार एक क्षण के लिए तुमने अनुभव किया अपने आप ये संपदा विस्तृत होती जाएगी, अपने आप तुम्हारा जीवन तुम्हें पता चले न चले परम विकास मान परमात्मा की ओर खींचने लगेगा अपने आप, और ये संपदा तुम्हारे साथ, केवल तुम स्वयं तुम्हारे साथ, बाकी कोई नहीं तुम्हारे साथ। इसका अर्थ जो तुम्हारा मन समझता है ये मेरा साथी है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरे साथ कायम रहेगा, कायम बहुत कुछ है बहुत कुछ, लेकिन ये मन से जाना नहीं जा सकता। किस तरह से हमें जीवन जीना है, किस तरह से, जैसे कि आज का दिन, तो आज का जो दिन है हम क्या करना चाहते हैं। अगर मैं आपको प्रश्न पूछूं कि आज का दिन तुम्हें मिल गया परमात्मा की महामूल्य भेंट, बिना कहे बिना मांगे बेशर्त, कोई शर्त भी नहीं परमात्मा की हमारे हाथ में, हम क्या करना चाहते हैं। आज का दिन मिला हुआ है, इसमें हम क्या कर सकते हैं पहले ये देख लेना है। दोपहर आएगी, शाम आएगी, रात आएगी, हमारे शरीर को विश्राम चाहिए, फिर तो जितना हमारे पास समय है उसमें हमें क्या करना है, किस तरह से आज के दिन को जीना है, ये मार्गदर्शन है, ये मार्गदर्शन। जीवन जीने की जो समझ है उसका दूसरा नाम धर्म, जीवन जीने की जो कला है उसका नाम धर्म। धर्म का अर्थ है समझ,
जीवन जीने की समझ, इस तरह से जीवन को जीना है कि जीवन जीते 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 प्रत्येक दिन आत्मिक संपदा से हम परिचित होते जाए, परिचित, क्योंकि ये अपने आप बढ़ने वाली है, अपने आप। इसको बढ़ाने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, कुछ केवल तुम्हें ध्यान कहां देना है। जैसे कि आज का पूरा दिन है, मैंने जो गुण कहे आत्मिक संपदा के गुण, प्रेम, मित्रता, करुणा, आनंद, उल्लास, प्रसन्नता, स्वास्थ्य, शांति, संतोष, उदारता, निर्भयता, ध्यान, भक्ति, स्वीकार, समझ, ज्ञान, जागृति, ये भीतर के संपदा के, भीतर की संपदा। एक मिली सब कुछ मिला, एक एक क्षण के लिए तुमने शांति पाई, एक क्षण मात्र के लिए तुमने शांति पाई, इतना तुम्हारे भीतर अपने आप संतोष आ जाता है, अपने आप। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें, मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि पूरे दिन में ये जो है आत्मिक संपदा, तुम्हें कहां पर क्या अनुभव हो रहा है, उस अनुभव को तुम जियो, हाथ से जाने न दो। ये अनुभव छोटा नहीं है, ये अनुभव परम संपदा से जुड़ रहा है। हमारा जीव परमात्मा के साथ संबंध बना रहा है, इसके परिणाम है, ये जो सारे परिणाम है ये दर्शाते हैं हमारे जीव का संबंध सत्य से हो रहा है। सत्य इस जगत में एकमात्र अवकाश, चाहे वो बहिर्गामी अवकाश हो, इसका नाश संभव नहीं, चाहे वो अंतर्गामी अवकाश हो, जिसे हम कहते हैं आत्मा, अंतर्गामी अवकाश, इंटरनल स्पेस, इसका नाश संभव नहीं। इसके साथ जुड़ी हुई शक्ति रूपांतरित होती है। हमारा शरीर आत्मा की ही बहिर्गामी शक्ति है, आत्मा की ही। हमारा मन आत्मा की ही शक्ति है। हमारा भाव शरीर, सूक्ष्म शरीर, आत्मा की ही शक्ति है। इंटरनल स्पेस संबंधित जो शक्ति है, इसका बहिर्गामी स्वरूप है और आत्मा स्वयं। अंतर्गामी अवकाश, बहिर्गामी अवकाश, इसका नाश संभव नहीं। इसलिए इसका नाश संभव नहीं कि इसका जन्म भी नहीं, और जिसका जन्म नहीं इसकी मृत्यु नहीं। ये सत्य, ये केवल एकमात्र इस जगत का सत्य जो हर जीव को जानना है। इसलिए क्योंकि जीवन प्रत्येक पल परम स्वाद है, जीवन प्रत्येक पल परम स्वाद है। ये जो मैं कहता हूं, दुख है, पीड़ा है, संताप है, जीवन की हताशा है, निराशा है, भय और चिंता है, ये इतना ही दर्शाते हैं कि अभी हमने हमारी मंजिल पाई नहीं है, अभी हम रास्ते में है, अभी हम रास्ते में, मृत्यु लोक पर अभी हम ठहरे हुए हैं। हमें कुछ सीखना है, हमें कुछ समझना है, जीवन जीने की कला को सीखना है, समझना है, परमात्मा के साथ कैसे संबंध बनाया जाता है। परमात्मा का तो हमारे साथ संबंध है ही प्रतिपल, नहीं तो हम जी नहीं सकते। परम शक्ति तो प्रतिपल काम करती ही है हमारे साथ, लेकिन हम किस तरह से इसके साथ संबंध बनाए, ये मार्गदर्शन है धर्म का। जो विषय पर मैं बात करने जा रहा हूं वो विषय है गायन, कंठ चक्र की क्षमता। केवल बोलना नहीं, कंठ चक्र की क्षमता इससे बहुत ऊपर है, लेकिन ठीक से मार्गदर्शन न मिलने के कारण मनुष्य गाना छोड़ देता है। हम फिल्म के गानों को समझते हैं कि बस यही जीवन की मजा है, कलाकार गाता है हम खाली सुनते हैं, यहां पर रुकना नहीं है।
हमें अपना जो कंठ चक्र है उसको प्रज्वलित करना है। मेरा मार्गदर्शन है किस तरह से ये कंठ चक्र प्रज्वलित होता है, क्योंकि जो मूलाधार चक्र की शक्ति है उसका ठीक से उपयोग न किया गया, इसका रचनात्मक दिशा में उपयोग न किया गया भीतर की शक्ति का, तो यही शक्ति बोझिल होती जाएगी, जीवन जीते जीते बोझिल होती जाएगी। ये सारे भाव है, जैसे कि फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, मजा न आना है, जीवन ऊब लगता है, ऊब अच्छा नहीं लगता, जीवन अच्छा नहीं लगता, जीवन बेस्वाद लग रहा, बोझिल लग रहा है, ना तो कोई व्यक्ति इसके लिए कारणभूत है, ना कोई परिस्थिति इसके लिए कारणभूत है। इसका कारण इतना ही है कि जो हमारे मूलाधार चक्र की शक्ति है उसका हम रचनात्मक उपयोग नहीं कर रहे हैं। रचनात्मक किस तरह से उपयोग करना है, गायन कंठ चक्र की क्षमता, बोलना मात्र नहीं, इससे ऊपर गायन, गीत गाना, गुनगुनाना, ये तुम्हारे भाव चक्र की शुद्धि करता है। ये प्रक्रिया भाव चक्र की शुद्धि करती है। हम आज गायत्री मंत्र तो बोलेंगे ही, इससे पहले 5 हमिंग ओमकार मेरे साथ, 1 हमिंग अर्थात भामरी, 1 ओमकार, ये कंठ चक्र की क्षमता को बढ़ाता है। आंखों को बंद कर दे, रीढ़ को सीधे रखे। विषय जो हम समझ रहे हैं, गायन, बांसुरी और परमात्मा प्रयोग के साथ, मेरे साथ 5 हमिंग ओमकार के आवर्तन, मध्यम लय, थूक को निकाल ले, गले में गला साफ कर ले। कफ नहीं रहना चाहिए, कफ को ठीक से साफ कर लो, थूक को निकाल लो गले में। हमिंग और ओमकार का विज्ञान भी जाने। ओमकार है भीतर की ध्वनि, है भीतर की आत्मा की अविरत ध्वनि है, जो भीतर का अंतर अवकाश है उसकी ध्वनि को जब हम बाहर समझते हैं तो
तो इसे नाम दिया गया ओमकार। जो हमिंग भ्रामरी ओमकार, ये दोनों प्रक्रिया से कंठ की क्षमता बढ़ती है। चाहे तुम बोलना चाहते हो, चाहे तुम गाना चाहते हो, तो ये दोनों इसकी बेसिक प्रक्रिया है, हमिंग और ओमकार। अब हम प्रवेश कर रहे हैं पवित्र मंत्र गायत्री मंत्र, जिसमें सूर्य की उपस्थिति, प्रातः काल का सूर्य, ये आदर्श परिस्थिति, ये इसका विज्ञान जानना है। कम से कम 7 आवर्तन में गायत्री मंत्र प्रकट करेंगे। विज्ञान हमारे भीतर 7-1 जो अंक का विज्ञान है, जहां 7 है, 7 का अर्थ है हमारे भीतर के 7 मुख्य शक्ति चक्र, जिससे हमारा शरीर चलता है, और ये 7-7 शक्ति चक्र का संबंध हमारी रीढ़। अब जब हम 7 आवर्तन करते हैं, कम से कम 7 इसलिए कि गायत्री मंत्र की ध्वनि प्रकट होती है, गायत्री मंत्र की शक्ति प्रकट होती है, बहिर्गामी वातावरण में भी फैलती है, ये हमारे कान पर जाती है, कान पर। तो कम से कम 7 आवर्तन से हमारे भीतर ये मंत्र पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक छा जाता है पूरा भीतर। इस समझ के साथ हम उतर रहे हैं गायत्री मंत्र 7 आवर्तन। आंख बंद कर दे मेरे साथ। इसके साथ एक बात समझे, जैसे कि मेरा राइट हैंड है, मैं गिनती करूंगा, किस तरह से समझो, यहां से मैं शुरू कर रहा हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सातवें गायत्री मंत्र में, 7 में हम एंड कर रहे हैं, वहां पर नमस्कार प्रणाम वंदन की पवित्र मुद्रा, ये पूरा हो गया 7। जहां हम मंत्र करेंगे उसका अंत देंगे ओमकार से, प्रारंभ भी ओमकार से, अंत भी ओमकार से। इसका कारण है ये मंत्र ओमकार, दोनों ओमकार से इसकी शक्ति को हम फैला सकते हैं, बाहर भी अंतर जगत में भी। ओमकार प्रकट कर, मंत्र को प्रकट करने से पहले जो हमारी मन की स्थिति थी, भाव की स्थिति थी, शरीर की स्थिति थी, और ओमकार के बाद जो होगी, उन दोनों से मंत्र की शक्ति को पवित्रता देते हैं, उसे अलग शक्ति से हम प्रकट करते हैं, ये इसका विज्ञान है। उतरे जाने ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ
थूक को निकाल ले गले में, एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी क्षमता। कोरोना के समय में गला सूखा रखना अवैज्ञानिक, थूक से गीला हुआ गला बहुत से बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से हमें बचाता है। जब भी स्मरण आए थूक निकाले गले में। गायत्री मंत्र के बाद हम प्रविष्ट होंगे पवित्र मंत्र शांति मंत्र के उच्चारण में। आंखों को बंद रखें, दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा धारण करें। मैं आपके समक्ष ही हूं, अगर समझना है ज्ञान मुद्रा, आंखों को बंद रखें, रीढ़ सीधी, चेहरा सीधा। प्रवेश करेंगे पवित्र मंत्र शांति मंत्र में मेरे साथ। ओ को गले में निकाले। आपका राइट हैंड मध्यमान अंगुली टच करे दो भ्रमर के बीच। मैं आपके समक्ष समझना है तो दो भ्रमर के बीच हल्का सा स्पर्श दे, बहुत दबाए नहीं, हल्का सा स्पर्श दे। उसके ऊपर भीतर से ध्यान केंद्रित करे। अपने तीसरे नेत्र की शक्ति को प्रज्वलित करे। इसकी बहुत सरल प्रक्रिया, राइट हैंड की मध्यमान अंगुली स्पर्श करे दो भ्रमर के बीच, हल्का सा स्पर्श दे, इसके ऊपर ध्यान को ग्रहण करे, ध्यान केंद्रित करे। जब तक मैं न कहूं अपना हाथ मध्यमान अंगुली स्पर्श रखे। अब आपका हाथ नीचे ले ले, दोनों हाथ टच कर दे एक दूसरे के साथ। मैं आपके समक्ष भीतर से सर्व जीवों के कल्याण के लिए जो भी भाव है आपके भीतर उसे प्रकट करे। जैसे कि सर्व जीवों का मंगल हो, अगर तुम्हें किसी की चिंता है कि वृक्ष काटे जा रहे हैं जगत में, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी भाव है, प्राणियों को हैरान कर रहे हैं मनुष्य, उस ये नहीं होना चाहिए, ऐसा जो भी भाव है इसे फैला दो। अपने भीतर ये भाव करो। मैं इसका विज्ञान बताता हूं किस तरह से ज्ञान को, विधायत्मक भाव को, कल्याणकारी भाव को इस जगत में फैलाना है। भीतर से भाव करे। जो भी आपका सहज भाव है सर्व जीवों के कल्याण के लिए, चाहे वनस्पति है, पंछी है, नदी है, समुंदर है, मनुष्य है, जो हम भाव करेंगे इस जगत के लिए, विश्व के लिए, वो ही भाव हमारी ओर लौटेगा। अनेक गुना होकर अनुभव करो, अनेक गुना होकर तुम्हारे प्रति लौटेगा। सर्व जीवों के कल्याण की जो भावना है उसका विज्ञान समझे। ये सूक्ष्म शरीर भाव शरीर से जुड़ी हुई बात है, सामान्य नहीं। जो भाव तुम करोगे सर्व जीवों के लिए, सर्व जीवों से वो ही भाव तुम्हारे प्रति लौटेगा, अनेक गुना होकर अनेक गुना। ये प्रक्रिया को ठीक से समझे। सुबह शाम किस तरह से करनी है मैं मार्गदर्शन दे रहा हूं। आप समय गिन लो 90 डेज का,
जीवन ऊपर उठ रहा है या नीचे गिर रहा है, तुम स्वयं अनुभव कर पाओगे। आराम से धीरे धीरे आंखों को खोल दे। दूसरा प्रयोग भी समझ ले, जो हम शाम को कर रहे हैं, मैं सबको परिचित कर रहा हूं, जो योग कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, शाम को करना ही है, किस तरह से करना है इसका मार्गदर्शन भी मैं प्रकट करने जा रहा हूं। अगर आपको लगे कि ये मेरे लिए अच्छा है तो जरूर इसमें से समझ ले, सीख ले। पहले तो प्रकृति का वातावरण महत्व दे उसे, जैसे कि ये पूरा मैं आदर्श मनुष्य के लिए कैसा होना चाहिए, मंदिर भविष्य के मनुष्य के लिए मंदिर कैसा होना चाहिए, इसे हम कहेंगे धन्वंतरी प्रकृति मंदिर। ये पूरा मंदिर और हमारा इतना ठीक है समझने के लिए, जो भी लौकिक प्रक्रिया है इसलिए हम कहेंगे कि इतना धन्वंतरी मंदिर है, लेकिन धन्वंतरी मंदिर अनंत, पूरी पृथ्वी, पूरी पृथ्वी हमारी माँ, चाहे वृक्ष यहां है, चाहे बाहर का वृक्ष है, चाहे पंछी यहां दाना खाता है या बाहर दाना खाता है, सब हमारे साथ जुड़े हुए, ये समझ है जीवन की। लेकिन ये झूठा सा क्षेत्र है उसे हम कर रहे हैं, कह रहे हैं धन्वंतरी प्रकृति मंदिर। इसका बहुत बड़ा रहस्य है, धीरे धीरे मैं समझाता जाऊंगा कि धन्वंतरी भगवान थे, उसने मनुष्य के लिए क्या प्रदान किया। तो अभी हम कह रहे हैं इसे धन्वंतरी प्रकृति मंदिर। इसमें महर्षि पातंजलि जिसने अष्टांग योग दिया, इसका मंदिर जिसे हम कहेंगे महर्षि पातंजलि ध्यान योग मंदिर, जिसमें शाम को अभी हम कर रहे हैं स्वास्थ्य महापूजा। स्वास्थ्य महापूजा शब्द बोलो, स्वास्थ्य महापूजा कहो, मैं जरूर नमस्कार करूंगा रामदेव जी महाराज को जिसने पातंजलि ऋषि का नाम फैलाया भारत में, जगत में, और सारे लोगों को इतने मास में योग करवाना कोई आसान बात नहीं है, कोई आसान बात जो रामदेव जी महाराज कर रहे हैं उसके शिष्य कर ले, मेरा हार्दिक प्रणाम और मेरी शुभकामनाएं हर एक मनुष्य तक, हर घर तक ये बात पहुंचे। ये योग का थेरापीटिक यूज है कि हम क्या करेंगे तो डायबिटीज नहीं होगा, कौन सा आसन करेंगे तो डायबिटीज नहीं होगा, बहुत बड़ा काम किया। भारत क्यों गरीब हो रहा है, कोको कोला आदमी पीता है, तुम तो सब पढ़े लिखे हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये रुपया हम डाल रहे हैं कोको कोला में, ये भारत में रहेगा या भारत से बाहर जाएगा, सबको पता होना चाहिए कि 5 रुपया की मैं ये दवा ले रहा हूं तो इसका मालिक भारत में है या कहीं और देश में है, ये आवक कहां जा रही है। कम से कम शिक्षित लोगों को पता होना चाहिए, जो जिसके पास शिक्षण नहीं है, जो अंग्रेजी ठीक से पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, उसके लिए ठीक है कि पता ही नहीं, वो कोको कोला पी रहे हैं, स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है, कोको कोला में है क्या। कितना बड़ा रामदेव जी महाराज ने काम कर दिया कि पूरा खोल दिया उसने। अब हमारे हाथ में है कि एक योगी इतना बड़ा रहस्य खोल देता है लौकिक कि तुम क्या पी रहे हो, तुम्हारे लिए कितना डेंजरस है। रामदेव जी महाराज तो कोको कोला के लिए कहता है मैं तो समझ से काम लो, क्या पीना है, पानी की जरूरत है, शरीर को पानी की जरूरत है, स्वच्छ शुद्ध पानी आज पृथ्वी पर हर एक मनुष्य को मिलना चाहिए, इतना विज्ञान आगे है तो इसका ठीक से उपयोग होना चाहिए, ना कोको कोला की शरीर को जरूरत है, ना फेंटा की जरूरत है, कोई इस तरह के पीने की जरूरत नहीं है। ये हमारा एक्साइटेड मन, उत्तेजित मन, इसके कारण भीतर का दुख, एक्साइटेड मन का अर्थ है भीतर का दुख, भीतर की पीड़ा, भीतर का संताप, भीतर की हताशा, भीतर की निराशा, भीतर का भय, भीतर की चिंता, इसको भुलाने के लिए हम अस्त व्यस्त व्यवहार करते हैं, ये खाते हैं वो खाते हैं,
लेकिन भीतर जरा मुड़ के देखो, वातावरण अशुद्ध है। जब तुम्हारे भीतर शक्ति ऊर्ध्वगमन करने लगेगी, इसकी निशानी है, तुम पानी के सिवा कुछ नहीं छू सकते। पानी ही अगर मुझे प्यास लगी है तो शुद्ध पानी मिले, उसका जो अनुभव है, इसकी जो तृप्ति है, एक भी पीने में नहीं है। तुम अनुभव करके देखो, मैं कहता हूं इसलिए मानने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तुम भीतर से शांत होने लगोगे, शांत निरांत प्रतिपल, उस वक्त तुम्हें एक भी जो कोल्ड ड्रिंक्स है, ना कोल्ड ड्रिंक्स छुएगा, ना आइसक्रीम छुएगा, पानी ही चाहिए, शुद्ध शुद्ध, जिससे रोग पैदा ना हो, ऐसा पानी। अब योग यहां पर समाप्त नहीं, ये तो 1000 फीट नीचे गिर गए मनुष्य को सामान्य स्थिति पर लाने की बात है, लेकिन योग यहां पर समाप्त नहीं। अष्टांग योग जो पातंजलि ने दिया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, पातंजलि योग बोलो मतलब ये 8 अंग तुम्हारे पास होने चाहिए। पातंजलि ने सीढ़ी दी है, पातंजलि ने सीढ़ी दी है किस तरह से, समाधि का अर्थ है परमात्मा के साथ तुम जुड़ गए, समाधान प्राप्त हो गया, परमात्मा और तुम्हारे बीच अब कोई अंतर न रहा, तुम परमात्मा ही, परमात्मा तुम परमात्मा एक हो गया। ये महर्षि पातंजलि ने बनाई हुई सीढ़ी, अष्टांग योग 8 अंग, इसके 8 स्टेप, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। समाधि का अर्थ है समाधान। अब समाधि का अर्थ है ना व्यक्ति के लिए कोई फरियाद रही, ना परिस्थिति के लिए कोई फरियाद रही, प्रत्यक्ष क्षण जैसा ही है परमात्मा का प्रसाद, कोई फरियाद नहीं, संपूर्ण स्वीकार, संपूर्ण स्वीकार। संध्या समय की जो प्रार्थना है उसे तुम कहो स्वास्थ्य महापूजा, जहां पर मुझे लगता है कि यह मार्गदर्शन की जरूर है, शाब्दिक अर्थ में, मैं शाब्दिक अर्थ में मार्गदर्शन दूंगा, जहां पर मुझे लगता है आप केवल देखो जो सब कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, कोई जरूरी नहीं है कि तुमसे शीर्षासन होना ही चाहिए, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। तुम देखो मेरा हाथ अभी ये पूरा ऊपर नहीं उठता, दूसरे हाथ से ऊपर ले गया, तो भी ये मसल्स काम करता है, करना है, जितना तुम्हारा मसल्स काम करता है करना ही है, शरीर की शक्ति को रचनात्मक मार्ग में ले जाना है ताकि काम वासना की शक्ति अप्राकृतिक मार्ग न पकड़े, यहां वहां न हो, तुम्हारी शक्ति यहां वहां न हो, इसका रचनात्मक उपयोग। अब इसके साथ जुड़े हुए गायन अर्थात अभी मंत्र, मंत्र अभी तुम्हें करवा देता हूं, लेकिन ये शाम के मंत्र है, शाम के समय करना है जब तुम स्वास्थ्य महापूजा में प्रविष्ट हो, इसे कहो स्वास्थ्य महापूजा। इसका सूत्र भी मैं बुलवाता हूं तुम्हें, स्वस्थ शरीर में शरीर को छोड़ने की महाकला प्राप्त करें हम, ये सूत्र है स्वास्थ्य महापूजा का सूत्र है। हमारा शरीर हॉस्पिटल में नहीं अंत, अगर तुम्हारा शरीर हॉस्पिटल में अंत हुआ, तुम्हारा जन्म हॉस्पिटल में, ये इसका विज्ञान समझो। जो बच्चे हॉस्पिटल में जन्म रहे हैं, तुम्हें समझ लेना है कि उसका अंत भी पिछले जन्म में हॉस्पिटल में हुआ है। जो बच्चे हॉस्पिटल में नहीं जन्म रहे, घर में होना चाहिए, घर में, ये गलत फैशन है, फैशन हो गई, ये समझ से, ये ठीक समझ नहीं है। अगर मनुष्य की समझ जब ठीक रास्ता पकड़ेगी, मैं पूरा मार्गदर्शन दे रहा हूं, इसका पूरा मार्गदर्शन, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, तुम्हें समझ में आने लगेगी ये बात, नहीं ये बात ठीक है।
स्त्रियों का स्वास्थ्य अगर ठीक है, उसकी एक्सरसाइज ठीक है, उसका शरीर व्यवस्थित है, खाना पीना ठीक है, स्वस्थ शरीर है, व्यवस्थित एक्सरसाइज है, काम कर रही है लड़कियां, तो ये डिलीवरी कोई बड़ी बात नहीं, सामान्य बात घर में हो सकती है। लेकिन हमारा जीवन इस तरह से हो गया अप्राकृतिक, तो सिजेरियन अब कंपलसरी हो गया। कोई कंपलसरी नहीं है, समझ का अभाव है। जो स्वास्थ्य मां पूजा के साथ जुड़े हुए दो मंत्र कम से कम सबके लिए जरूरी, रात्रि को निद्रा में प्रवेश करे इससे पहले भीतर शुद्धि होना जरूरी, अनिष्ट भाव, अनिष्ट विचार, अनिष्ट शरीर की संवेदनाएं हमें छूनी नहीं चाहिए। ये मंत्र एक प्रकार का रक्षा कवच है, जिसे रस पड़ता है उसे जानना है, प्रयोग करके देखना है कि मेरी बात कितनी सच है। पहले हम ले रहे हैं महामृत्युंजय जाप, अभी इसमें मैं संगीत का उपयोग कर रहा हूं। किस तरह से ये मंत्र में बैरागी राग, बहुत पवित्र राग, राग के स्वर का जो शक्ति है, ध्वनि की शक्ति, यही शुद्धि में बहुत काम करती है। आप अनुभव करें मेरे साथ, रीढ़ को सिद्धि करें, आंख बंद, प्रयत्न करें मेरे साथ। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। ओम त्र्यंबकम् सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम असतो मा सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ अशतो मा तमसो मा मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ अशतो मा तमसो मा मृत्योर्मा अमृतं गमय थूक को गले में निकाले, गला साफ कर ले। इस मंत्र का आदर्श समय है ढलता हुआ सूर्य। अभी शाम है, संध्या का प्रकाश है अभी, ये आदर्श। लेकिन समझ लो कि तुम चूक गए, ऐसा हो गया कि तुम शाम को न कर पाए, तो भी कोई भी समय, रात का कोई भी समय, भोजन से पहले, भोजन के बाद, तुम मन में भी इस मंत्र को कर सकते हो। मन में भी इसका भी असर इतना ही पवित्र आता है। लेकिन जब समूह है, जहां पर मनुष्य का, रचनात्मक मनुष्य का, कल्याणकारी भावना वाले मनुष्य प्रकृति में इकट्ठे हो रहे, तो हमारे मंत्र का जो ध्वनि है, हमारे आसपास के पौधे, वृक्ष, पंछी, मनुष्य, कोई समझ लो अनपढ़ व्यक्ति है, काम कर रहा है अपने खेत में और मंत्र का ध्वनि उसके कान के ऊपर पड़ता है, तो ये इतना पवित्र मंत्र है, इतना सिद्ध मंत्र कि इसका असर तुमने खाली अस्तो मां सदगमय इतना ही सुना तो भी असर आएगा ही आएगा। समझ लो प्राणी है, कोई कुत्ता है, घूम रहा है यहां वहां, तुम्हें लगता है इसे क्या, ये मंत्र का ध्वनि है, इसको अर्थ के साथ न लेना न देना, इसका विज्ञान समझे। जो मैं विषय कह रहा हूं, गायन, बांसुरी और परमात्मा, तो ये जो ध्वनि है इसका असर हमारे पर भी आता है, हमारे हृदय को भी प्रसन्न करता है, शांत करता है और बाहर के वातावरण को भी शुद्ध करता है। ये संध्या समय की स्वास्थ्य महापाज पूजा के साथ जुड़े हुए दो मंत्र। रात्रि का समय मैं बांसुरी प्रकट करूंगा, बड़ी बांसुरी, छोटी बांसुरी भी है, बड़ी बांसुरी भी है। रहस्य कब छोटी बजानी है, कब बड़ी बजानी है। जैसे कि प्रातःकाल की दिव्य वाणी प्रकट करने से पहले मैं छोटी बांसुरी से, इसे कहते हैं आह्वान, आह्वान का अर्थ है आमंत्रण। कल्याणकारी आत्माएं जो शरीर में नहीं है, शरीर में, लेकिन मदद के लिए तैयार, ऐसी आत्माओं को हम आमंत्रण देते हैं, आमंत्रण कि आप आओ, पधारो हमारे यहाँ, हमारा शरीर भी है, अगर आपको कुछ काम करना है। इसका विज्ञान धीमे धीमे बता रहा हूं। अभी तो रश्मिन की आंख एक दो दिन के लिए, फिर उसे मेरे साथ आना है, महामृत्यु को भी मेरे साथ आना है बांसुरी में, जब आह्वान करते रश्मिन को भी आना है बांसुरी से। किस तरह से इसका विज्ञान क्या है मैं बताता हूं। इसी तरह से शाम को जब हम स्वास्थ्य महापूजा प्रकट करेंगे पातंजलि ध्यान योग मंदिर में महर्षि, उसमें भी पहले आह्वान, बांसुरी से आह्वान, छोटी बांसुरी से आह्वान। अभी जो मैं राग ले रहा हूं वो राग है शुद्ध कल्याण, जिसमें शंकर की प्रार्थना है, ये वसंत देसाई का कंपोजिशन है और भरत व्यास के लिखा हुआ ये प्रार्थना है। शंकर त्रिलोचन अर्धांग गौरी हर हर महादेव। अब मैं आपको कहूं कहां का संबंध कहां होता है। हमारे घर में, मैं जब छोटा था, एक रिकॉर्ड थी, कवि कालिदास फिल्म से है ये, तो कवि कालिदास फिल्म का
बहुत सुंदर कंपोजिशन है, ये राग मालिका है, राग मालिका। मेघदूतम दिखाते हैं कि कवि कालिदास फिल्म में इस तरह से दिखाते हैं कि वो मेघदूत लिखता है, और फिर एक राग मालिका है सुनने जैसी है, ये अवेलेबल है यूट्यूब पर, अवेलेबल है कवि कालिदास की राग मालिका जो है मेघदूतम, ऐसा लिखोगे तो भी ये मिलता है। इसकी एक प्रार्थना है, और मेरा भाई था विनोद, उसे ये प्रार्थना, हम छोटे थे ये पूरी गाते थे पूरी, और उस वक्त मेरे कान में ये पड़ता था शंकर त्रिलोचन। और ये इससे भी पुरानी है, भरत व्यास ने तो लिया है, संस्कृत प्रार्थनाओं में से ही ली है ये प्रार्थना, बहुत पुरानी है, इसका राग है कल्याण। तो अभी हम ये प्रार्थना ही करेंगे इसी तरह से जो ये मंत्र में तुम्हें करवा रहा हूं, ओम त्र्यंबकम। ये प्रार्थना का संबंध नारायण सरोवर का शिव मंदिर, ऐसा हुआ कि एक समय में जब नारायण सरोवर के शिव मंदिर में गया, अति उत्तम मंदिर, जब भी समय मिले मौका मिले ये मंदिर का दर्शन करना है। सामने समुन्दर, सूर्य जैसे प्रकट होता है कि उसकी किरणें शिवलिंग को छूती है, इस तरह का मंदिर, मंदिर से बाहर आओ पूरा समुन्दर, और अंदर जाओ मंदिर, शिवलिंग, दियों का प्रकाश। और उस समय ऐसा था मंदिर में कोई भी नहीं था, कोई भी, मैं अकेला, मैं पुजारी ने मुझे दे दिया था मंदिर कि थोड़ी देर आप संभालो तो मैं बाहर होकर आता हूं। मैं ठीक है, मैं अकेला मंदिर में, और मंत्र चल रहा है ये ओम त्र्यंबकम यजा, और जो मैंने अनुभूति की वो देखो आज इस समय में भी कहीं नहीं जाता। धर्म समझ विकासमान, परमात्मा विकासमान, तुम्हें हर स्टेप पर दिखाऊंगा परमात्मा विकासमान। कल मेरे दो प्रश्न थे, एक जब मैं शाम को बांसुरी प्रकट करता हूं मैं कहूंगा मैं भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, देवी माता सरस्वती के चरणों को छूकर, ये स्वर जो मैंने कल आपको बताया, जो स्वर है इसका संबंध चंद्र शक्ति है, चंद्र शक्ति से है ये स्वर, जो रिदम है इसका संबंध है सूर्य शक्ति से। शंकर के हाथ में डमरू, राइट हैंड में होगा, आप देखना डमरू, ये उद्गम है, जो रिदम है उसका उद्गम दिखाया गया है। और हमारी हृदय की जो धड़कन है, हृदय का जो स्वास्थ्य है, उस पर दोनों का असर आता है, क्योंकि भाव शरीर से ही जुड़े हैं ये दोनों, चाहे स्वर है उसका असर भी है हृदय पर, जो रिदम है ताल है उसका असर भी है हृदय की धड़कन पर, हृदय के स्वास्थ्य पर। इसे ठीक से समझा जाए, इस प्रयोग को ठीक से लिया जाए, और हम करते ही आए हैं, कर रहे हैं, करेंगे, जैसे मनुष्य इसको समझता जाए, तुम्हें हार्ट की कोई बीमारी नहीं हो सकती। यहां तक हो सकता है कि तुम्हें अभी समझ लो कि बीपी के लिए दवाइयां लेनी पड़ती है, इतना स्वास्थ्य तुम प्राप्त कर सकते हो कि बीपी की दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ सकती। अब इसमें मैं तीनों को वंदन करता हूं, तो रिदम क्या जरूरी नहीं है, रिदम का संबंध है, इसका सोर्स दिखाया गया है नटराज भगवान के हाथ, राइट हैंड में डमरू है, शंकर के राइट हैंड में डमरू है, ये ध्वनि का उद्गम है, ध्वनि का उद्गम है, रिदम का उद्गम है, इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसका मैं नाम नहीं लेता और कुछ भी नहीं इसमें, ये प्रार्थना का रहस्य है। मैं कहूंगा ये है भगवान नटराज दिव्य कला मंदिर, यहां ही प्रणाम हो गया, ये समझ मैं बताता हूं तुम्हें, समझ, अब इसे रिपीट करने की जरूरत नहीं। वहां मैं ये नहीं कहता कि ये है भगवान श्री कृष्ण दिव्य कला मंदिर, जब मैं कहता हूं भगवान नटराज दिव्य कला मंदिर, इसमें ही रिस्पेक्ट आ गया, प्रणाम आ गया, तो फिर इस नाम को दोहराना जरूरत नहीं। दूसरा मेरा प्रश्न था कि मैं बांसुरी बजाते समय, या इवन जब मैं गाऊंगा भी, प्रार्थना गाऊंगा, इसमें आप मेरी वेशभूषा देखोगे तो ऐसा हो लगेगा आपको जैसे कि पुराने राजा महाराजा पहनते थे, इस तरह से पगड़ी है, पूरा वस्त्र है, मालाएं हैं,
ये धारण करने का क्या कारण है? मैं एक स्कूल दे रहा हूं मनुष्य को, द स्कूल ऑफ डिवाइन फैशन डिजाइनिंग। मैं कहता हूं मनुष्य को, सेक्सी लुक इज नॉट द अल्टीमेट वन, आगे बढ़ना है। द होली लुक इज द अल्टीमेट वन, जो पवित्र है, पवित्र देखाव है, अपीयरेंस है, इस पर काम करना है तुम्हें, इस पर कि किस तरह की वेशभूषा है, इससे पवित्रता पैदा हो सकती है। पवित्रता इसके साथ और भी रहस्य है, जैसे कि भारत तुम गरीब देख रहे हो, उसका कारण मनुष्य की नासमझी है। मैं नहीं चाहूंगा कि भारत क्या पूरी दुनिया गरीब न रहे, पूरी दुनिया कोई गरीब न रहे, कम से कम सबके पास जी रहने के लिए एक व्यवस्थित, हम प्रयोग कर रहे हैं, व्यवस्थित घर होना चाहिए, इसमें शुद्ध पानी मिलना चाहिए, घर में आंगन चाहिए, इसमें तुलसी चाहिए, इसमें नीम चाहिए, इसके रस से भी कहता हूं पिपड़ा चाहिए, वड़ चाहिए आसपास। इस तरह का सुंदर जगत नहीं हो सकता, ये मेरी भावना है, ये मेरी भावना है। मैं वेशभूषा में प्रकट करता हूं कि दरिद्रता नहीं, मैं गरीबी के पक्ष में नहीं, समृद्धि, लेकिन समृद्धि ऐसी नहीं कि तुमसे मैं, मुझे जरूरत नहीं है तो भी तुमसे छीन कर मेरा बड़ा बढ़ाता ही जाऊं। इससे दरिद्र ही रहोगे, तुम दरिद्र ही रहोगे, समृद्धि का ये अर्थ नहीं। समृद्धि का अर्थ है मुझे जितना जरूर है, दो रोटी की जरूरत है वो मेरी, बाकी मेरे पास और चार रोटी है तो ये तुम्हारी। इतनी कम से कम समझ कि तुम भूखे हो तो मेरी दो रोटी भी तुम्हारी, ये बहुत ऊपर की बात है, लेकिन चलो इतनी मेरी समझ न पहुंची तो दो रोटी मेरी, बाकी की चार रोटी रख कर मैं करूंगा क्या? ये चार रोटी से मैं तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा करूं? तो इस वेशभूषा के साथ एक जुड़ता है ये भाव कि तुम मुझे देखोगे ऐसा राजा महाराजा की तरह पोशाक, तो उसका संबंध समृद्धि से, परम समृद्धि से है। इसका एक और संबंध है, ये आह्वान है, ये आह्वान है इस तरह की उच्च कोटि की आत्माओं को आह्वान है। और ये जो वस्त्र है ये पुरानी विधि है, ये पुरानी कि शरीर जो हमें मिला है, शरीर परमात्मा का मंदिर, परमात्मा का असली मंदिर, देवस्थान हमारा शरीर, ये आभूषण है, सुंदर वस्त्र है, जो भी है इसके साथ बहुत से रहस्य है, बहुत से रहस्य कि समझ लो आज मुझे कलावती राग पर काम करना है, उसके लिए मुझे एक वस्त्र की जरूरत है कि इस तरह का वस्त्र मेरे पास हो या इस तरह का गहना, मोती की माला मेरे पास हो तो कलावती राग को मैं और ऊपर उठा सकता हूं, अपने आप ये वस्त्र मेरे पास आ जाएगा, अपने आप। ये जो सारे आप वस्त्र देखते हो, जो भी मैंने मांगा भी है, मांगा इसलिए है कि अभी समझ नहीं, लोग मेरे पास आते हैं, गृहस्थी आता है, जैसे कि हेमंत आता है, हेमंत है, अलका है, तो वो मुझे पूछते हैं कि गुरुजी आपको क्या जरूरियात है, तो मैं उसे कहता हूं मुझे पीले रंग का, मुझे एक ऐसा वस्त्र चाहिए, ऐसी पगड़ी चाहिए, कोई पूछता है तो मैं उसे कहता हूं, और कुछ मैं नहीं कहता, कुछ मैं देखता हूं कि वो आता है कि नहीं, आ ही जाता है, अपने आप आ जाता है। मैं इसका कारण को, गांधर्व लोक की आत्माओं को ये आह्वान है, ये संगीत इस तरह से नहीं कि तुम जिस तरह से स्टेज पर कोई कलाकार आता है और बांसुरी बजाता है, इस तरह से नहीं, इसमें तुम्हारे हर एक व्यक्ति जो मुझे देख रहे हैं, चाहे मोबाइल पर देख रहे हैं, कंप्यूटर में देख रहे हैं, और जो मेरे समक्ष है, मेरा शरीर तो खाली सेंटर ही है, सेंटर मीटिंग पॉइंट, कि जहां मैं आह्वान करता हूं कि गांधर्व लोक की दिव्य आत्माएं हमें मार्गदर्शन दे, प्रकट हो, हमारी कला को प्रज्वलित करे, प्रज्वलित हमारी कला को दिव्य बनाए। मेरी बांसुरी इस तरह से नहीं कि मैं तुम्हें कहूं तुम मेरी प्रशंसा करो, निंदा करो ये मत, तुम निंदा करो प्रशंसा करो तुम्हारे ऊपर, ये भाव नहीं है इस बांसुरी का। तुम देखते जाओ,
धीरे धीरे मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि ये क्या है। इसमें तुम जो हो, तुम देख रहे हो दिए का प्रकाश। इसमें अशुद्ध भावना तुम करके देखना कि इसमें तुम कोई मलिन विचार मलिन भाव करके देखना। दियों की संख्या भी इसमें, इसका विज्ञान है कि कौन सा दिया कहां पर रखना है, कौन सा दिया कहां पर रखना है, किस तरह से दिए चाहिए, कितना ऊंचा दिया, ये पूरा इसका विज्ञान है। और कुछ डिफिकल्ट नहीं, कुछ डिफिकल्ट सरल। धीरे धीरे मैं समझाता हूं। केवल श्रवण नहीं है, राग है वो केवल श्रवण नहीं, दर्शन भी है। तुम दर्शन करो, तुम सीधी आंख बंद मत करो, तुम पहले दियो का प्रकाश, मेरा श्रृंगार, कि आज राग माल कौंस बजाऊंगा मैं रात को, तुम्हें माल कौंस में कौन से रंग का वस्त्र चुन रहा हूं, समझो। इसे खाली देखो, मैं ऐसा नहीं कहता कि बहुत से ऐसे रहस्य है कि मैं तुम्हें कह दूं, लेकिन इसके कारण तुम्हारी धारणा बन जाएगी, धारणा विचार बन जाएंगे और तुम अनुभूति में जा नहीं पाओगे। इसके कारण तुम्हारी अनुभूति रुक जाएगी। जैसे कि जरूरी है मैं कहूं मालकौंस, जब भी मैं बजाता हूं मालकौंस, इसका संबंध है इस राग का, इसे रागों का राजा माना गया, ऐसे ही नहीं, इस राग का संबंध है सहस्त्रार चक्र से। मैंने जब मालकौंस की गहरी अनुभूति की, इसमें मैंने दियों का प्रकाश ही देखा, अपने भीतर अनेक दिए, अनेक दिए, लाल रंग का वातावरण और गोल्डन प्रकाश, ये इसकी राग की चरम सीमा की अनुभूति। राग विकसित होता है, राग में हर पूर्णिमा जो 30 दिन में आती है, हर पूर्णिमा ये 3 राग नहीं छोड़ूंगा। पूर्णिमा के आसपास चंद्रकौंस, चंद्र संबंधित राग है तीनों, मालकौंस, इस ये पोषण देने वाले राग है, हृदय की शक्ति को अनुभव करो आप, और मधुकौंस, और हर राग के रंग है, हर राग को प्रकट करने के रंग है। राग तो है ही, राग पर तो काम हो ही रहा है, धुनवई कलाकार बजाते ही। मैं तुम्हें और आगे ले जाता हूं, ये राग का आध्यात्मिक रूप है, इसके साथ दर्शन है। तुम आंख से जो दर्शन करते हो, कान से जो सुनते हो, इससे तुम्हारा मन बनता है। पुराना अस्त व्यस्त विचारों वाला मन, अशांत मन विलीन हो जाता है और पवित्र मन प्रकट होता है। तो ये वस्त्रों का राग के साथ का संबंध आज इतना जरूरी है, इतना कहता हूं। आज रात को जो मैं राग बजा रहा हूं वो है मालकौंस, जिसे कर्नाटक के क्लासिकल में कहते हैं हिंडोलम। अब जो मालकौंस राग है, पहले हम धुन करेंगे उस पर, उस राग की एक धुन करवाता हूं। मंगल गावो आज श्री हरि घर आए, शुभ मंगल गावो आज श्री हरि घर आए, नाचो झूमो फूलो फलो आनंद धन लाए, नाचो झूमो फूलो फलो आनंद धन लाए,
शुभ मंगल गावो आज श्री हरि घर आए। नाचो झूमो फूलो फलो आनंद धन लाए। नाचो झूमो फूलो फलो आनंद धन लाए। शुभ मंगल गावो आज श्री हरि घर आए। शुभ मंगल गावो आज श्री हरि घर आए। नाचो झूमो फूलो फलो आनंद धन लाए। नाचो झूमो फूलो फलो आनंद धन लाए। शुभ मंगल गावो आज श्री हरि घर आए। श्री हरि घर आए। श्री हरि घर आए। ये राग मालकोंस। सा ग म ध नी सा सा नी ध म ग सा और ताल केरवा। अभी जो हमने बजाया केरवा। अब इस राग में मैंने जो एक रचना सुनी बहुत हृदय स्पर्शी, आप भी देखे आपको कैसी लग रही है रचना, बहुत सुंदर प्रार्थना हिंदी भाषा में। और ये रचना मैं जब गांधीनगर सचिवालय में सेक्शन ऑफिसर था, मैं रश्मिन मेरी माँ हम तीनों साथ में रहते थे, उस वक्त एक कैसेट मेरे हाथ में आई, कनकर्णा बेनर्जी जो गायिका थी वो थी कनकर्णा बेनर्जी। शायद हो तो ढूंढ लेना और मुझे भी बताना, ये तो बहुत पुराना जो मुझे याद है मैं तुम्हें कहता हूँ। इस तरह की ये प्रार्थना है, रचना है। मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर दे। जब पहली बार मैंने ये रचना सुनी मैंने कहा ये कैसी रचना जिसमें ऐसा कहा गया है कि मंदिर देखकर डर गए सुदामा। कोई मंदिर डरने की चीज है? लेकिन ये रचना इस तरह से है, थोड़ा सा मैं प्रसंग कह दूं तो आपको समझने में बहुत ये गहराई है इस रचना। ये ऐसे ही नहीं, बाहर बाहर की रचना नहीं है। सुदामा और कृष्ण दोनों मित्र थे, बचपन के दोस्त दोनों। अब सुदामा जब जीवन का समय आता है, ये इस अवस्था की बात है जब कृष्ण द्वारका के राजा हो गए महाराजा, और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। सब लोगों को जैसे कि शादी की शादी है, कहीं कोई जन्म है, कहीं कोई मृत्यु है, उस समय के ब्राह्मण का जो कर्म था वो जाते थे मार्गदर्शन देने के लिए। फिर भी यहां मैं तुम्हें कहूं, बाहर का जो बात है इस तरह से है कि इसकी पत्नी कहती है कि हम कितने गरीब है, हमारे पास है नहीं ठीक से मकान नहीं, झोंपड़े में रहते थे। ये बाहर की बात है, सच में ऐसा है। सुदामा फरियाद रहती थी, सुदामा असंतुष्ट रहते थे अपनी परिस्थिति से। और इसकी जो पत्नी थी ये कृष्ण की भक्त थी, कृष्ण की शिष्या, बहुत प्रेम था कृष्ण के प्रति, तो उससे दुख होता था सुदामा को देखकर कि कृष्ण का मित्र और फरियाद, जो कुछ भी मिला है हमें इसमें तृप्त क्यों नहीं। तो वो
वो भेजती है सुदामा, सुदामा को भेजती है उसकी पत्नी कि आप, आपके मित्र तो इतने बड़े महाराजा है, द्वारका, द्वारकाधीश कहते हैं इससे हम, तुम इसके पास जाओ और इससे मांग लो तो हमारी दरिद्रता दूर हो जाए। अब सुदामा वहां जाते हैं तो ये एक इस तरह की विवेक है कि कोई राजा को मिलने जाए, गुरु को मिलने जाए, तो खाली हाथ नहीं जाते थे, कुछ ना कुछ जो उसके पास हो लेकर जाते थे, चाहे फल पुष्प जो भी है। तो उसकी पत्नी उसे छोटे से एक कपड़े में तांदुल बांध कर देती है। आज भी पोरबंदर में ये मंदिर है, सुदामा का मंदिर। हम जब गए थे सौराष्ट्र की यात्रा में, भानु, रश्मि, मेरी माँ, हम चारों गए थे ये मंदिर में, सुंदर मंदिर है और वहां तांदुल की प्रसादी मिलती है अगर याद हो तो वो तांदुल की पोटली देती है कि आप कृष्ण को दे देना। सुदामा को लगता है, वो जाते हैं, सारे राजा बैठे हुए हैं इसके साथ, कृष्ण, सारे महाज्ञानी उसकी सभा में, राजा महाराजा और इसमें कृष्ण बैठे हुए, और सुदामा तो एकदम घबरा जाते हैं कि इसमें मेरा ऊपर का शरीर भी खाली, पुराने समय में ब्राह्मीन कुछ भी रखते नहीं थे। उसके पास एक छोटी धोती है, घुटनों तक पहनी हुई धोती है और ऊपर कौप वस्त्र है और सामान्य था, उस समय के ब्राह्मणों का कर्म था कि 24 घंटे मंत्रोच्चार, मंत्रों में लीन रहना, पूजा का विज्ञान और लोगों को ज्ञान देना, उस समय के ब्राह्मणों का कर्म था। तो जब वो प्रविष्ट होते वो डर जाते कि इतने सारे राजा महाराजा, उसमें मैं ये तांदुल की पोटली कैसे भेंट करूं। और कृष्ण जैसे देखते हैं सुदामा को, कृष्ण है ये, खाली राजा महाराजा थोड़े हैं, कृष्ण कृष्ण है और राजा महाराजा है, खाली राजा महाराजा नहीं है। वो उठ जाते हैं, खाली सब देख रहे हैं कि कृष्ण किस लिए उठ रहे हैं। कृष्ण जाते हैं सुदामा को सबके सामने, राजा महाराजा ज्ञानी पंडित पूरी सभा भरी हुई है, वो सुदामा को अपने गले लगा लेते हैं एकदम। सुदामा डरते हैं, पोटली पीछे रखी है, कृष्ण को पता चल जाता है, वो कहते हैं तू क्या लाया है मेरे लिए, वो डरते डरते देता है। तो वो तो एकदम प्रेम से ले लेते हैं, उसके पास से पोटली खोल देते हैं और खाते हैं, खुद तांदुल खाते हैं और जैसे क्या उसमें स्वाद हो इस तरह से, क्योंकि ये प्रेम है। कृष्ण को पता है कि ये किसने भेजा है, क्यों भेजा है, कृष्ण को सब पता है। ये तांदुल बांटने के लिए दे देते हैं, खुद खाते हैं और कह देते हैं बांटो, जो भी बैठे हुए, जो मैंने खाया सब खाए। सुदामा तो देखते रह जाते हैं, उसकी आंखों से पानी बहने लगते हैं कि ये अभी भी मुझे भूला नहीं, इतना प्रेम। वो कुछ दिन कृष्ण कहते हैं आप मेरे साथ रह जाओ। अब बात ऐसी है कि सुदामा वहां रहते हैं और वार्ता ऐसी है कि सुदामा जब वापिस लौटते हैं तो राजमहल हो जाता है उसका घर। तो जो झोंपड़ा था वो पहचान नहीं पाते, सुदामा पहचान नहीं पाते थे कि यहां तो मेरा झोंपड़ा था तो ये राजमहल कैसे हो गया, ये बाहर की बात है और ये कोई बड़ी बात भी नहीं कृष्ण के लिए, क्योंकि जब सुदामा को उसने अपने पास रोका उस वक्त उसने औरों को कहा कि वहां आप खड़ा कर दो इसके लिए राजमहल, हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये ऐसी बात नहीं, ये सुदामा को ज्ञान दे देते हैं, ज्ञान जो समझ है, संतोष की समझ जो भी है, जो भी है, क्योंकि कृष्ण इस तरह से मदद नहीं करेंगे सुदामा को, ये सुदामा की प्रतिभा को और निखारेंगे, और कि ये मेरा मित्र तो है ही शिष्य भी है, ये गरीबी से डरना नहीं चाहिए, ये गरीबी से हिलना भी नहीं चाहिए, उसे संतुष्टि देते हैं, अपने कर संतुष्टि देते हैं। जब समय आता है, सुदामा कह ही नहीं सकते, सुदामा उसके आगे कह नहीं सकते कि मैं इतना दरिद्र हूं, मैं गरीब हूं, मुझे अभी कुछ और चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। वो बहुत सोच कर गए थे कि मैं कृष्ण से सब मांगूंगा, लेकिन कृष्ण स्वयं में तृप्त भरपूर, उसे देखकर सुदामा भी स्वयं में तृप्त, उसे
कृष्ण के साथ रहकर वो देखते हैं कि इसका तो इतना भोग विलास है सब कुछ, वो पानी मांगे तो दूध मिलता है, इसमें कृष्ण कैसे रहते हैं। तो वो देखते हैं अनछुए, अनटच्ड, उसे न भोग से कोई संबंध है न उसे कोई विलास से संबंध है। कृष्ण का जन्म भोग विलास के लिए है ही नहीं, कृष्ण का जन्म मनुष्य को मार्गदर्शन देने के लिए, समझ देने के लिए कि जीवन को किस तरह से जीना है, वो समझ प्राप्त कर लेते हैं सुदामा। और जब वापिस लौटते हैं तो जहां झोंपड़ा है, ये झोंपड़े में ही उसे राजमहल दिखता है सच में। अब हम प्रवेश कर रहे हैं ये रचना में। मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। मेरे तो घर की टूटी झोंपड़ियां, मेरे तो घर की टूटी झोंपड़ियां, मेरे तो घर की टूटी झोंपड़ियां, कंचन महल खड़े सुदामा, कंचन महल खड़े सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर। मेरे तो घर में दाना ना दुन घर, मेरे तो घर में दाना ना दुन घर, मेरे तो घर में दाना ना दुन घर, मोतियन थाल भरे सुदामा, मोतियन थाल भरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। घर में दिया न बाती, मेरे तो घर में दिया न बाती, मेरे तो घर में दिया न बाती, जगमग ज्योत जगे सुदामा, जगमग ज्योत जगे सुदामा, मंदिर देख सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे।
याद करी जब श्याम मूरत चित याद करी जब श्याम मूरत चित याद करी जब श्याम मूरत चित पल में दरिद्र हरे सुदामा याद करी जब श्याम मूरत चित याद करी जब श्याम मूरत चित याद करी जब श्याम मूरत चित पल में दरिद्र हरे सुदामा पल में दरिद्र हरे सुदामा मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे मंदिर देख डरे मंदिर देख डरे सुदामा जो रात्रि समय का प्रयोग है पूर्णिमा के समय वैसे तो मैं कहता ही हूँ फिर भी कह दूं कि जो ऐसा आवास है जिसके घर में इस तरह से व्यवस्था है कि पूर्णिमा का प्रकाश रूम में आता है चंद्रमा का प्रकाश पूर्णिमा के आसपास ऐसी रात रहती है जब चंद्र का प्रकाश रूम में आता है लॉबी में आता है इस तरह से अगर व्यवस्था है तो मैं ऐसा कहता हूँ कि आर्टिफिशियल लाइट भी बंद कर दे दियो की भी जरूरत नहीं ये तो मुझे कुछ प्रक्रिया के कारण दियो को प्रकट करना पड़ता है लेकिन जो मुझे सुन रहे हैं कहीं भी यूट्यूब पर कंप्यूटर पर बांसुरी सुन रहे हैं माल कौंस चंद्र कौंस मधु कौंस और चंद्र का प्रकाश घर में आता है तो आर्टिफिशियल लाइट को बंद कर दे चंद्र के प्रकाश को आने दे रूम में आने दे और इस वातावरण में आप ये तीन राग को सुने और भी राग है जो चंद्र संबंधित राग है मैं समय के साथ साथ आपको बताता जाऊंगा लेकिन इस तरह से भी दिव्य श्रवण प्रक्रिया करके अगर आप निद्रा में जाओगे तो भी अद्भुत अनुभूति रहती है इसकी क्योंकि चंद्र का प्रकाश देखते 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 जब हम सोते हैं तो ऐसा होता है कि स्वप्न में चंद्र आता है मेरा अनुभव कहूं कि रात पूरी रात ऐसे बीतती है जैसे कि हम पूर्णिमा में कोई टेरेस पर सोए हुए हो कोई समुन्द्र किनारे सोए हुए हो इस तरह के स्वप्न आ सकते हैं मैं इसकी विधि बताता हूं तो ये भी कर सकते हैं और नहीं है ठंडी भी है तो हम खिड़कियां खुली भी नहीं रख सकते बहुत ठंडक है तो दिए प्रकट कर दो और दिए में भी मेरा ऐसा मार्गदर्शन है कि दिया जमीन से थोड़ा ऊंचा हो तो इसका असर बढ़ जाएगा इसका भी विज्ञान है धीरे धीरे बताता हूं ये मेरा मार्गदर्शन आज की संध्या समय की रात की जो बांसुरी है बांसुरी वादन का श्रवण है उसके लिए हम प्रविष्ट हो रहे हैं शांति मंत्र में इससे पहले एक जो हमारा दिव्य जगत है उसका एक बहुत सुंदर समाचार है ये समाचार ऐसा है अभी तो मुझे मिल रहा है ये समाचार कि जो वैश्विक परिवार है इसके साथ ही जुड़े हुए एक सदस्य है भुज में रहते हैं युवान है शादीशुदा है उसका बच्चा भी है श्री जिग्नेश आचार्य ये आगे भी उसने मुझे बहुत समय बांसुरी भेंट की है मैंने बजाई भी है औरों को भी भेंट की है क्योंकि बांसुरी है उसकी भेंट मिलना यही बहुत सद्भाग्य है और बांसुरी किसी को भेंट देना वो भी बहुत सद्भाग्य है कोई बांसुरी मुझे भेंट कर रहा है उसे बांसुरी बनाना ये जो प्रेरणा है ये सामान्य प्रेरणा नहीं है मैं इतना रहस्य खोल दूं ये खोजना है जिग्नेश को कि ये प्रेरणा आ कहां से रही है कि उसे ऐसा लग रहा है कि चलो मैं मेरे हाथ बांसुरी बनाऊं
बांसुरी बना सकते हैं लोग, में तो आश्चर्य भी होता है, धन्यवाद भी होता है कि कितना सुंदर प्रेरणा छू रही है उसे, उसका प्रयत्न। मैंने देखा कल, मुझे महामृत्यु ने दिखाया मोबाइल पर, तेजोमय तेजस, ये भी वैश्विक परिवार का ब्राइट स्टूडेंट विद्यार्थी, उसने भेजी है ये फोटो कि आपके लिए बांसुरी बनाई है, बड़ी बांसुरी है, और ये भेजना चाहते हैं कि भुज से कोई आए तो मैं भेज दूं। मैं तो जिग्नेश को ऐसा कहूंगा कि कोई आए तो ठीक है, नहीं तो तू तेरे बच्चे को लेकर, पत्नी को लेकर, परिवार मित्र को लेकर आकर एक रात रुक जा, दो रात रुक जा, ज्यादा से ज्यादा तीन रात, फिर मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, तेरी पत्नी तुझे उठा के ले जाएगी, लेकिन बांसुरी तेरे हाथ भेंट कर जा, इतना तू थोड़ा गरीब है, आके भेंट कर जा, और ना भी नहीं है तुझे आने के लिए, या तो तू आ जा, या चंद्रिका आ ही रही है। मैंने उसे बताया है कि मृत्यु के बाद ब्रह्मा जी के मंदिर का दर्शन जरूरी, दिव्य श्री महामृत्यु महामृत विश्वविद्यालय का दर्शन जरूरी, इसके बाद गब्बर चढ़ना जरूरी। जीव की गति सुनिश्चित समझो, होगी ही होगी, गारंटी, कोर्ट में केस कर सकते हो। तो अब प्रविष्ट हो रहे हैं शांति मंत्र, आंख को बंद कर दे, पवित्र मंत्र शांति मंत्र में प्रविष्ट हो। इससे पहले एक छोटी सी मानसिक प्रक्रिया, पिछले 24 घंटों में छोटे मोटे हर व्यवहार, बैठना उठना बोलना सोना खाना पीना, आपकी दृष्टि से आपकी कोई भूल हो गई है तो उसको स्मरण कर लो, केवल स्मरण। मानसिक प्रक्रिया है, पिछले 24 घंटों में जीवन के छोटे मोटे व्यवहार, बैठना उठना बोलना गाना खाना पीना चलना दौड़ना, आपकी दृष्टि से कोई भूल हो गई है तो आप उसे स्पष्ट कर लो, स्मरण कर लो। हम प्रविष्ट होंगे पवित्र मंत्र शांति मंत्र के उच्चारण में मेरे साथ। ओ के दोनों हाथों से छाती के मध्य केंद्र के पास प्रणाम वंदन नमस्कार की पवित्र मुद्रा धारण करें, दोनों अंगूठों का स्पर्श छाती के साथ, दोनों हाथों की हथेलियों का स्पर्श अनुभव करें, परमात्मा के साथ, परम शक्ति के साथ, पराशक्ति के साथ, आद्य शक्ति के साथ संबंध बनाने की सरलतम विधि नमस्कार प्रणाम वंदन की मुद्रा। शांति मंत्र का अर्थ गठन केवल श्रवण करें, सुने। हमारे नाभि केंद्र मणिपुर चक्र की सारी विक्षिप्त अशुद्ध अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, पवित्र हो। हमारे मूलाधार चक्र की सारी विक्षिप्त अशुद्ध अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, पवित्र हो। हमारे हृदय चक्र भाव शरीर की सारी विक्षिप्त अशुद्ध अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, पवित्र हो।
हम सब सदा हमारे भीतर परम मौन का, परम शांति का अनुभव करते रहे। आराम से स्टेप बाय स्टेप विद द फुल कंट्रोल ऑन आई मसल्स, ओपन द आईज, वॉच स्ट्रेट। प्रणाम, नमस्कार, वंदन की पवित्र मुद्रा को बदले अंजलि मुद्रा, धारण करे भिक्षा पात्र, परमात्मा से भिक्षा मांगे। हमारे बाहर हम सदा परम शांति का अनुभव करते रहे। पूरे विश्व में इस भावना को फैलाओ दोनों हाथों से। हम सब सदा सर्वत्र परम शांति का अनुभव करते रहे। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा, राइट हैंड की ज्ञान मुद्रा टच करे, हल्का सा स्पर्श दो भ्रमर के बीच, तीसरे नेत्र की शक्ति को प्रज्वलित करे। आपका राइट हैंड पूरा खोल दे, मैं आपके समक्ष साइड से पूरा राइट हैंड टच करे कपाड़ को, तीसरे नेत्र की शक्ति को जोड़े सहस्त्रार चक्र की शक्ति के साथ। स्पर्श का अनुभव करे भीतर। आपका राइट हैंड उठा ले अपने मस्तिष्क के ऊपर, पूरा राइट हैंड स्ट्रेट कर दे, जिस तरह से शिव मंदिर में रखे हुए शिवलिंग के ऊपर का नाग की फेण, पांच फेण वाला, सात फेण वाला नाग, इसी तरह से आपका हाथ आपके मस्तिष्क के ऊपर, सहस्त्रार चक्र का प्रदेश, इसकी शुद्धिकरण की आसान प्रक्रिया। कोई अनिष्ट, अशुद्ध, अपवित्र संवेदना, चाहे भाव की हो, शरीर की हो, मन की हो, आपको छू नहीं सकती। आपका राइट हैंड धीरे धीरे पीछे ले जाए, मस्तिष्क के पीछे गर्दन तक घुमा के फिर से धारण करे नमस्कार, वंदन, प्रणाम की पवित्र मुद्रा, छाती के मध्य केंद्र के पास, परमात्मा से, परम शक्ति से, आद्य शक्ति से, पराशक्ति से संबंध बनाए। अस्तु, आरती के नाद के लिए आ जाए। नजीक आ जाओ, धनु नजीक आ जाओ।